अपना टाइम भी आएगा भाई। यहाँ पर राजा रानी यानी कि वीर और रानी दोनों एक कमरे में बंद हो गए हैं, इसमें हर्ज ही क्या है? पति पत्नी हैं, एक कमरे में बंद हो सकते हैं तो उसमें क्या है? लेकिन हर्ज हो सकता है, इसी बात का तो बवाल है। जो करती है वो एकदम अतरंगी करती है। पहले वो कर देती है, बाद में सोचती है कि हाय रामा उसने ये क्या कर दिया। अब देखिए जाने अनजाने में उसने राजा जी को चोर समझ लिया है और तो और इस चोर की धुलाई भी कर दी। अब राजा यानी कि वीर ने जब रानी की ये हरकत देखी तो भाई वो भड़केगा तो सही और देखिए भड़क भी गया। मतलब जहां आप जाती हैं वहां कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। अब राजा को पता है कि रानी उसकी पत्नी है तो भला ऐसे में वो अपने कमरे में कियारा के साथ कैसे रात बिता सकता है। इसीलिए वो इस गेस्ट रूम में आ गया है और रानी को लगा कि इस गेस्ट रूम में कोई चोर आ गया है। हाँ भाई हम तो यही कहेंगे जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम राजा रानी को एक साथ वक्त तो मिला और ये देखिए भगवान भी कैसे इनका साथ दे रहे हैं। ये गेस्ट हाउस अब लॉक हो चुका है यानी कि राजा और रानी एक कमरे में बंद हो गए हैं। का खुरापाती दिमाग तो चल नहीं रहा है और उसकी बड़बड़ से राजा जी का दिमाग भी नहीं चलेगा। राजा जी चाहते हैं कि रानी चुप हो जाए लेकिन ये तो रानी है भला, कहां किसी की सुनेगी। और मासूमियत के चक्कर में फंस गए, मदद करने की कोशिश कर रहे हो और आप है कि भगवान के लिए कुछ और कीजिए। जो करूं मैं करूंगा। फिलहाल तो ये दोनों कमरे में बंद है और कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही है तो इसका मतलब यही होगा कि राजा और रानी एक ही कमरे में रहेंगे और सवेरे एक कोई न कोई तो इन्हें जरूर देखेगा इस कमरे से बाहर निकलते। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। इमली, इमली के घर। हाँ हाँ एक्चुअली इमली का ही तो घर है क्योंकि वो भी तो शादी करके आई थी लेकिन अब उसकी बहन भी शादी करके आ गई उसी घर में और अब होने वाली है उसकी मुंह दिखाई की रस्म। और सीरियल में कोई रस्म हो और ड्रामा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर इमली की जो बहन है उसकी माँ ड्रामा करेगी। अरे कॉकरोच तो है। सज गया है मालिनी और आदित्य के सुहाग रात का कमरा। उसकी स्टेज को फूलों से खूबसूरत बना दिया गया है लेकिन ये क्या आदित्य की सासू माँ क्यों चाहती है अपनी बेटी की सुहाग रात का कमरा देखना।
ये बात किसी को पसंद नहीं आई, इसीलिए तो जैसे ही वो सुहाग की सेज पर बैठी उसे दर्शन हो गए कॉकरोच के। एक कॉकरोच को देखकर इस सबकी चीखें निकल गई और सब इतने डर गए कि मानो उनके सामने एक कोई बड़ा सा एनाकोंडा आ गया हो। अरे कॉकरोच ही तो है। अरे छेड़ डालो। तेरे छोड़ रहा है क्या? हाँ। उठ रहा है कॉकरोच? अरे पूछ लीजिए उसी से, हमें क्या पता। अरे ये मेरी कॉकरोच। हम देख के आते हैं। अब सासू माँ आपके लिए तो हम यही कहेंगे, जहाँ पर बात बिगाड़नी हो वहाँ पर बस काफी है आपका पहुँच जाना। देखिए कैसे तुरंत पेस्ट कंट्रोल को फोन भी लगा दिया कि आ जाओ त्रिपाठी सदन को पेस्ट कंट्रोल करके जाओ। हेलो मिस्टर राज, एक एड्रेस लिखिए, पेस्ट कंट्रोल वालों को कहिए कि त्रिपाठी के एड्रेस पर अर्जेंटली आए। अब सच में ऐसा टीवी में ही हो सकता है। अब ये देखिए मालिनी के मुंह दिखाई का फंक्शन है और जैसा कि आपने देखा मालिनी को किसी और ने नहीं बल्कि खुद इमली ने तैयार किया है। सबको तो बहुत पसंद आया मालिनी का ये मेकअप, लेकिन किसी को नहीं पसंद आया तो वो है मालिनी की माँ। उन्होंने तो इस मेकअप की बेइज्जती भी की और इमली को ताना भी मारा। ससुराल का प्यार तुम्हारी दौड़ी की शादी है, तुम्हें पति के प्यार के बारे में क्या? अब आप सोचिए अभी तक तो मालिनी की माँ को पता नहीं चला है कि इमली उसे के पति की बेटी है, उस पर ये हाल है। जब पता चलेगा तब बेचारी इमली का क्या होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। गुड्डन को भले ही लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन गुड्डन ने कर दिखाया। डिजिटल दुनिया में उसने एक अहम मुकाम बना लिया है। जी हाँ, फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई है कि एक ऐसी जगह पर वो संख्या पहुंच गई है जिसके लिए जश्न बनता है, और जश्न है खुशी की बात है तो गुड्डन से बात भी बनती है। तो गुड्डन आज SBS ओरिजिनल्स के लिए बना रही हैं Vlog. We are 4 million now. Oh no, mera khoobsurat chehra. Hi, this is Kanika Mann, aapki pyari dodo gudan. छोटी गुड्डन बड़ी गुड्डन। ओके, सो अभी मैं बड़ी गुड्डन के अवतार में हूँ। आप तो सोचोगे ना इतनी सजी धजी क्यों है, बड़ी गुड्डन तो ऐसे नहीं रहती। तो वो इसलिए क्योंकि आज घर में शादी का माहौल है, आरव और आरुषि की शादी है। सो यस, इसका मतलब मैं डेफिनेटली अपने सेट पे हूँ। सो यस, हियर वी आर। गुड्डन कब से ना हो पाएगा कि सेट पे, जो कि मोर और लेस डेकोरेट हो रहा है या हो चुका है फॉर शादी, और मैं तो तैयार हूँ ही। आप सब लोग जानना चाहते थे साल कैसा रहा, है ना, हम कितने सारे लाइव सेशंस कर रहे थे कि आपने लॉकडाउन में क्या किया, लॉकडाउन कैसा रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए जिसमें अपने साल की कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें, और क्या सीखा, क्या क्या नया जाना मैंने, वो सब आपको बताऊँ। मैं थोड़ा थोड़ा अपना सेट दिखाती रहूँ साथ साथ। हमारे जमाई राजा हमें दिख रहे हैं। बोले तो आप एक काम कीजिए, आपका सबसे अच्छी बात ये होगी आप मेरी तारीफ। आपकी तारीफ यार, आपकी तारीफ जितनी की जाए उतनी। छोड़ो, आप बुराई करो, तारीफ तो आप बुराई तो मैं करता ही नहीं किसी। तो आपकी कैसे करते हो? आप इतना सुंदर बन के कहाँ किस लिए आए हैं पहले? माई गॉड, तो वैसे तो ये आरव आरुषि की शादी के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन अभी क्योंकि इतनी रोमांटिक बात कर रहे हैं तो उनकी शादी करवाना तो सिर्फ बहाना है ना, बाकी तो गुड्डन के साथ ही। ये अभी गुड्डन माँ खड़ी है, और अगर मैंने ये
यहाँ से ऐसे थपाक आएगा, थपाक आएगा, थपाक आएगा। अच्छा बेटा, मना किया ना बेटी से मिलने को। ओके, सो सबको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है ना कि कैसे एक टाइम पे दो दो का निकाह आ जाते हैं। ये है हमारी दूसरी वाली का निकाह, जो कि कभी छोटी गुड्डन बनती है, कभी बड़ी गुड्डन बनती है। सो अभी ये छोटी गुड्डन के अवतार में आपको दिखाई दे रही है। हाय अस्मिता। हाय मैम, कैसे चल रहा है? बढ़िया। मजे आ रहे हैं सेट पे? बहुत। सब लोग खूब ख्याल रखते हैं? बहुत। ओह यस। सो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है सेट पे, वो होते हैं हमारे निर्देशक जी, यानी हमारे डायरेक्टर सर। एंड अभी इन्होंने मास्क लगाया हुआ था, अभी जैसे ही मैं वीडियो पैन करने लगी इन्होंने हटा दिया कि ओह नो, मेरा खूबसूरत चेहरा दिखना चाहिए। सो ही इज़ मिस्टर रावत एंड ये हमारे डायरेक्टर सर हैं। एंड हम ये खूब सारा डांटते भी हैं, खूब सारा प्यार भी करते हैं। बहुत प्यार ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज आप बहुत प्यारी हो। oh my God. बहुत अच्छा काम करती हो, यू आर अ गुड परफॉर्मर, गुड ह्यूमन बीइंग। हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि वैसे तो लॉकडाउन वाला माहौल था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम हो रहा था, लेकिन फिर भी कितना इनिशिएटिव लिया लोगों ने। सब पहले तो मैं बहुत डर रही थी जब मुझे घर से वापस आना था ना, कि ओ नो, अभी शूट करना कैसे इस माहौल में, पता नहीं कौन किधर से आता है क्या, तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर भी सोचा कि ओके, सब लोग निकल रहे हैं तो हम लोग भी क्यों नहीं निकलें, तो निकले। एंड देन इनिशिएटिव लिया सब ने किया, एंड टच वुड सब अच्छा भी हो रहा है। वाहेगुरु, अभी तक हमारे सेट पे कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया, अभी तक नहीं आया, आई नो आगे भी नहीं आएगा। सो यस, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमने और भी बहुत सी चीज़ें की, म्यूज़िक वीडियोज़ किए एंड और भी एक दो चीज़ें की जो आपके सामने जल्दी ही आ जाएंगी। ऐसे लेसन तो ना बहुत सारे सिखाए हैं, ऐसे कहते हैं ना कि एक्चुअल में इंसान ऐसे ठोकर खा के ही सीखता है, तो वही मुझे लगता है हम सब इंसानों ने इस 2020 में बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहला कि सेविंग करनी चाहिए सबको, यू नेवर नो कब कैसी सिचुएशन आ जाए, तो जो हम बहुत ज़्यादा शायद नहीं सोचते, मैं तो बहुत सोचती हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया था। सो वो सेविंग करनी चाहिए, जो है उसमें खुश रहना चाहिए। जो हम हमेशा भाग दौड़ में लगे रहते हैं कि ओ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सुबह से स्टार्ट होते हैं शाम तक चलता रहता है, तो जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। एंड कुछ लोगों को अपने परिवार की इम्पोर्टेंस भी फील हुई है, क्योंकि कुछ लोग थे ना जो बहुत हमेशा अपने अपने में रहते थे, उनको पता चला कि हाउ इम्पोर्टेंट योर फैमिली इज़। यस, तो एक्चुअली ब्लॉग मुझे बहुत टाइम से बनाना ही था, लेकिन मैंने सोचा था कि जब एक एक नंबर पे हम पहुंच जाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा जनता जुड़ जाएगी ना, तो तब बनाते हैं। सो यस, वी आर 4 मिलियन नाउ, तो थैंक यू सो मच। अभी 4 मिलियन से तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, हमें जल्दी उम्मीद है कि 40 हो जाएगा। यस, बहुत ज़्यादा। सो यस, बट अभी जितने हैं बहुत हैं, बहुत हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, एंड हम इसी तरह मिलते रहेंगे, विल बी इन टच। ये है एबीपी न्यूज। कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। वैसे मैं रोज सोचता हूं कि मुझ पर पैसों की बरसात हो, चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले, लेकिन मेरे ऊपर तो बरसात नहीं हुई, लेकिन मोलकी के घर पर पैसों की बरसात हो गई। खैर, कहीं तो हो रही है, इसी बात से हम तो खुश हैं। लेकिन पता नहीं मोलकी के लिए खुशी की बात है या गम की, क्योंकि हो सकता है कि उसको इस बात की सज़ा भी मिल जाए, चाहे उसका कसूर हो या ना हो। सीरियल की बहू है, सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। टीवी की बहू रानी की तो ये बहुत पुरानी आदत है, किसी और का जुर्म अपने सर लेना।
अब देखिए पूर्वी ने भी तो वही किया। इस साक्षी का हार जो पूर्वी की छोटी बहन ने चुराया था उसे बेचकर उसने खूब सारे पैसे भी ऐंठ लिए। इस बात का पता जब पूर्वी को चला तो वो एकदम टूट सी गई। वो मुखी के पास पहुंचने ही वाली थी इस सच्चाई बताने के लिए कि देखिए क्या हो गया, पैसों की बरसात होने लग गई। कितने सारे पैसे यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पर किसे रख दिए, कोई बोलेगा? मुखी अपने बच्चों के साथ खेल खेल रहा था। मुखी ने बल्ला घुमाया और देखिए कैसे पैसों की बरसात होने लग गई। वैसे इतने सारे रुपयों की यूं सेट पर बरसात होना सबके लिए एक नई बात थी। अब ये पैसे आए कहां से, सवाल तो यही उठता है। अब मुखी को पूर्वी सच तो बता नहीं सकती है, तो उसने खुद ही अपनी बहन का जुर्म अपने सर ले लिया। बिकॉज ऑब्वियसली वो मेरी बहन है और जब बचपन से ही मैं उसकी सारी जिम्मेदारियाँ सारी गलतियाँ अपने ऊपर लेती आई हूँ तो आज क्यों नहीं, तो वैसे ही आज भी मैंने उसकी पूरी गलती अपने ऊपर ले ली। अब मुखी चाहता है कि साक्षी का हार पूर्वी वापस ले आए। अब हार तो वापस आने से रहा और हाँ पूर्वी भी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, तो आगे होगा क्या, बहू रानी अगला कौन सा कदम उठाएगी, ये तो भाई हम भी नहीं जानते। जैसे कि कहते हैं कि सच एक ना एक दिन सामने तो आता ही है, तो वो सच सबको पता है कि वो एक ना एक दिन तो सामने आएगा ही, तो वैसे ही देखते हैं कि इसका सच आने के बाद वो मुझे वापस स्वीकार करते हैं मुखी जी या नहीं करते। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। आज हम मुलाकात करने वाले हैं नागिन के चिल यानी कि शरद मल्होत्रा से। शरद मल्होत्रा, नए साल में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वगैरह 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 बहुत सारी बातें हमारे साथ कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखा दें ताकि आप में जो जो शरद के फैंस हैं वो नए साल पर खुश हो जाएं। तो हो जाइए खुश। हमें बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि 2020 एक ऐसा साल रहा है जहाँ पूरी दुनिया ही चेंज हो गई, एक तरह से हमारी लाइफ चेंज हुई है, सब कुछ चेंज हुआ है। ऐसा एक मैं कहूँ कि एक ऐसा साल रहा है जो शायद इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सुनहरा तो पता नहीं है लेकिन हाँ मिक्स्ड साल रहा है, अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हुई, मतलब तो इट्स बीन अ वेरी मिक्स्ड रिएक्शन लोगों का रहा है। 5 महीने घर बैठना जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, पूरी मतलब कायनात, पूरी धरती, पूरा मतलब पूरी दुनिया रुक गई। इससे बड़ी और क्या, इससे बड़ा मतलब और कुछ शायद कोई और मूवमेंट नहीं हो सकता। तो आई थिंक ऐसा साल रहा है जब बहुत कुछ हम हमने सीखा है। आई थिंक हम इंसानों ने बहुत कुछ सीखा है और वी नीड टू रिस्पेक्ट, वी नीड टू वैल्यू हमारी लाइफ, ज़िंदगी, अपने रिलेशंस, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, यू नो जितने भी रिलेशंस हैं सबको वैल्यू कीजिए, फ्रेंड्स। पता नहीं आज ज़िंदगी है कल ना हो, तो आई थिंक ये हमने बहुत कुछ इस साल में हमने बहुत कुछ सीखा है और बस वही है कि आई थिंक मैंने इस साल बहुत अपने लॉकडाउन के टाइम में हमने बहुत कुछ किया, हमने जर्नल्स लिखे, हमने मैनिफेस्टेशंस किए, हमने कुकिंग की साथ में, गिटार बजाया, हमने घर साफ किया, यू नो तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कभी नहीं की थी इतने सालों में वो करने को मिला। तो आई थिंक 2020 हैज़ बीन अ गुड ईयर, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ हमने सीखा भी, बहुत कुछ सीखने को बाकी भी है। तो उम्मीद है कि 2020 अभी ख़त्म हो रहा है और लोग वेट कर रहे हैं कि साल ख़त्म हो और अगला साल स्टार्ट हो। तो बस आई थिंक जितने भी दर्शक हैं, आई थिंक 2020 को आप लोग अलविदा कहिए, कोई गिले शिकवे नहीं होने चाहिए और 2021 का हम बहुत ही धूमधड़ाके से हम स्वागत करना चाहते हैं। आई एम श्योर 2021 आपके लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, सास बहु साजिश के लिए, हमारे लिए, नागिन के लिए, विरांचो सिंघानिया के लिए, सबके लिए कमाल का साल। मेरा नागिन 5 करना 2020 में मेरे लिए बहुत हाई पॉइंट था,
क्योंकि एकता मैम ने जब जब कहा, जब मुझे ऑफ़र किया गया ये, तो मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि नेगेटिव शेड था, मैंने कभी किया नहीं था लाइफ में। और एक ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर, यू नो, जिसके इतने डिफरेंट फैसेट्स थे, जितने इतनी लेयरिंग, इतनी डिफरेंट डायमेंशंस थे कैरेक्टर के। तो आई थिंक वो एक कैरेक्टर करना जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो मुझे मौका मिला। सो आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा है, 2020 बहुत अमेजिंग ईयर रहा है। कुछ पर्सनल लॉसेज भी हुए मेरे यू नो फैमिली में भी, और लेकिन हाँ, आई थिंक ओवरऑल अच्छा साल रहा है। और इस साल को मैं, आई एम श्योर, हम सब आजीवन याद रखेंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव। आई थिंक इतना प्यार मिला है नागिन फाइव में वीरांशु सिंघानिया को, नागिन फाइव को अभी भी इतना प्यार मिलता है, व्यूअर्स और देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। 2021 का स्वागत जो है वो धूमधाम से कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके पास आस पास जो आपके रिलेशंस हैं, लाइफ है, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, घर बार है, जो कुछ भी है, वैल्यू दैट, उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, उसे सहज के रखिए, प्यार से रखिए, और वर्क हार्ड, बिलीव कि लाइफ में जो होगा बहुत अच्छा होगा, एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। ये है एबीपी न्यूज़। अनुपमा सीरियल में वनराज अस्पताल में था और वहां काव्या ने पहुंचकर जो ड्रामा किया, उसके बाद क्या हुआ, आप देखना चाहते हैं तो चलिए ना, हम आपको लिए चलते हैं अनुपमा की लाइफ में क्या ट्विस्ट है ये दिखाने के लिए। वैसे ट्विस्ट रोज आते हैं, आज भी आया है नया। पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। हमें ब्लड की जरूरत है। डॉक्टर आप मेरा खून ले लीजिए। अरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इसकी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ, इसकी वजह से। अब जाती है कि चप्पल मार मार के तुझे भूतिया बना दूँ, निकल यहाँ से। पापी बात छोड़ी, अनुपमा समझाओ ना इन्हें प्लीज। मैं देखती हूँ कैसे नहीं। वनराज की जान है खतरे में, उसकी जान तभी बच पाएगी जब उसे ओ पॉजिटिव खून मिलेगा। डॉक्टर ने जब ऐसा आकर कहा, तब देखिए जरा कि काव्या और अनुपमा दोनों तैयार हो गए वनराज को अपना खून देने के लिए। पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। डॉक्टर आप मेरा खून ले लीजिए, मैं भी ओ पॉजिटिव हूँ। अब ये बात अनुपमा की सास को मंजूर नहीं है, वो नहीं चाहती है कि उसके बेटे को काव्या खून दे। अस्पताल में काव्या आई है और वो वनराज पर अपना हक जता रही है, लेकिन तभी इस सासू माँ ने उसे क्या करारा जवाब दिया। आज वनराज की हालत जो भी है वो काव्या की ही वजह से तो है। और ये क्या कब से मेरा भी लगा रखा है? तू क्या उसे दहेज मिलाई थी जो तेरा हो गया? इसकी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ, इसकी वजह से। अब जाती है कि चप्पल मार मार के तुझे भूतिया बना दूँ, निकल यहाँ से। अब काव्या ने अपना खून दिया वनराज को, लेकिन काव्या का खून काफी नहीं था वनराज की जान बचाने के लिए। डॉक्टर जी मेरा खून ले लीजिए। ठीक है, आइए हमारे साथ। अनुपमा भी अपना खून देगी वनराज को। घर वाली और बाहर वाली दोनों के खून से वनराज की जान तो बच जाएगी, लेकिन क्या अब वनराज बाहर वाली के साथ रहना चाहेगा या घर वाली के साथ, ये फैसला तो वनराज को ही लेना होगा। और आपको बता दे, इस बार वनराज एक सही फैसला लेने वाला है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। कौन कहेगा कल्याणी को देख के कि ये आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस की बीवी है। अब देखो, एक औरत उसका मुंह जलाने की कोशिश कर रही है और वो कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसा कैसे? हे
ये देखिए एक मामूली सी लड़की ने आईएएस ऑफिसर कल्याणी का क्या हाल कर दिया है। ये वही कल्याणी है जो इससे पंगा लेता था उसकी छुट्टी कर देती थी, लेकिन आज ये आईएएस कल्याणी इतनी बेबस और लाचार क्यों है? किससे मदद मांगेगी? मैं भी देखो, वो मेरे रुपया नहीं है, वो मेरे मलाजी है, मेरे मलाजी। अवनी का गुस्सा उस पर कुछ इस कदर निकल रहा है कि वो उसे जलाने की कोशिश कर रही है। अब अवनी को तो लगता था मल्हार इस दुनिया से चल बसा है, लेकिन जब से मल्हार का बहरूपिया इस घर में आया है उसकी तो जैसे चाल ही उल्टी पड़ गई। हालांकि मोक्ष और कल्याणी जानते हैं कि वो शेरा है। एक दिलो मुझे पता है कि मुझे वो शेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी ना वो शेरा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ बिल्लो, उस शेरा की वजह से कम से कम हम दोनों तो एक साथ रह पा रहे हैं ना, थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा। अब वो शेरा है या उसे शेरा बना दिया गया है ये तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि सिरल की कहानी क्या होती है अब तक तो आप ये जान ही गए होंगे। फिलहाल यहाँ पर कल्याणी को बचाने के लिए इस शेरा आ जाता है। के बीच में धूम धाम पर्यटक। अब वो इसी घर में रहकर मोक्ष और कल्याणी को एक दूसरे के करीब लाएगा, तो वहीं अवनी का पर्दा फाश करेगा और फिर अंत में ये पता चलेगा सबको कि शेरा ही मल्हार है। देखा ना आपने, इस कहानी में कोई भी यूनिक आइडिया नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। और अब देखिए सास बहू और साजिश की बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल कहानी। अभी और प्रज्ञा एक दूसरे की परछाई हैं, ये तो हम सालों से जानते हैं और मानते भी हैं। भले ही अभी ने मीरा से शादी करने का फैसला लिया हो, लेकिन वो अभी भी चाहता तो प्रज्ञा को ही है। तभी तो वो मीरा के साथ जब गोलगप्पे खाने आया है तो देखिए साथ में प्रज्ञा भी आ गई। अब अभी प्रज्ञा दोनों एक दूसरे का टेस्ट पहचानते हैं, उन्हें पता है कि एक दूसरे को गोलगप्पे में कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद है। दोनों बच्चों की तरह यहाँ पर लड़ने लग गए और मीरा बेचारी इन दोनों को देख रही है। अब मीरा समझदार तो है, उसने सोचा कि भाई इन दोनों की बातें सुनने से तो अच्छा है फोन का बहाना कर यहाँ से कट लो। इधर मीरा निकली तो उधर अभी प्रज्ञा की नोक झोंक शुरू हो गई। अब अभी के चेहरे के भाव को देखकर हम तो समझ रहे हैं कि ये मस्ती कर रहा है। शादी भी तो मस्ती मस्ती में ही होगी और उसके बाद देखना एक कैसे प्रज्ञा को वो बुद्धू बनाएगा। उस पल का तो इंतजार भाई हमें भी रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। ये करण और प्रीता का हनीमून पीरियड खत्म ही नहीं हो रहा है भाई, ऐसा हमें नहीं ऐसा किसी और को लग रहा है और इसी बात के ताने दिए जा रहे हैं प्रीता को। अब क्या करे, बेचारी टीवी की बहू है, उसे ताने तो खाने ही पड़ेंगे क्योंकि ताने खाकर ही वो जिंदा रहती हैं, वरना वो खा खा के
हमारे जैसी हो जाएगी। खत्म कर प्रीता और करण अपने घर लौट आए हैं, लेकिन इनका रोमांस देखकर ऐसा कौन कहेगा कि इनका हनीमून खत्म हो गया है। प्रीता और करण की इतनी नजदीकियां देखकर आखिर बड़ी सासू माँ ने बहू रानी को ताना मार ही दिया। अब तुम इस रानी के पास तुम्हारे क्या चाहती हो? हनीमून हैंगओवर खत्म नहीं हुआ तो मुझे बता दो, मैं भाभी से बात करती हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देंगे हम। शर्लिन प्रेग्नेंट है पर माता महिला को बहुत प्यार से निभाई किस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या है ना बड़ी मम्मी जी, आपकी शादी हुए बहुत साल हो चुके हैं, आप तो शायद अपना रोमांस भूल भी गई होंगी। आपको तो समझना चाहिए ना, नई नवेली जोड़ी है तो भी रोमांस पर तो उनका हक होता है, फिर चाहे वो घर के किसी भी कोने में अपनी आंखें चार करे। भला हो इस बॉल का जिस पर फिसल कर प्रीता करण की गोद में आ गिरी। वाह, क्या शाहरुख खान जैसी एंट्री मारी है करण ने। आपको बता देते हैं कि प्रीता की सोच में यहाँ से जा रही थी और फिर उसके साथ ऐसा हुआ। वो क्या है ना, कृतिका की शादी होने वाली है और प्रीता को अक्षय पे लगता है कुछ कुछ शक हो गया है कि कृतिका के लिए अक्षय ठीक नहीं है। तभी तो देखिए कैसे कृतिका से बाल की खाल निकाल रही है। अब इतना तो तय है कि इस बहू रानी का जासूसी वाला सेंस जाग चुका है, यानी कि अब अक्षय के बारे में पूरी जांच पड़ताल होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। रेणुका शाहने लेकर आ रही हैं नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म जिसका नाम है त्रिभंगा। इस फिल्म में उनकी क्या भूमिका है, वो पर्दे पर दिखने वाले हैं या पर्दे के पीछे, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। और हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, सुन लीजिए। काजोल ही सबसे टेढ़ी मेढ़ी और क्रेजी है। सबसे ज्यादा टेढ़ा काजोल का किरदार है इसमें। मुझे गर्व भी है इसका कि यू नो मेरी फिल्म में उनका आगाज हो रहा है ओटीटी पे। नहीं, एक्चुअली ओटीटी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारी फिल्म हर रोज ओपन होती है। बिना बैंड बाजे के कभी वो लेकर चली थी अपने देवर की बारात, लेकिन अब वो कंटेंट की दुनिया की बन गई है एक कैप्टन ऑफ द शिप। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्ट्रेस से डायरेक्टर बनी रेणुका शाहने की, जो अपनी फिल्म त्रिभंग को 15 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर लेकर आ रही हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं रेणुका शाहने जी। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज वो नई लेकर आ रही है, वो है उनकी मूवी त्रिभंगा, जो उन्होंने डायरेक्ट की है। और बिना देर किए मैं रेणुका मैम आपसे जानना चाहूंगा, क्या है त्रिभंगा, क्योंकि नाम बड़ा अलग है, बिल्कुल अटपटा नाम है, अनकन्वेंशनली गुड है ये नाम, तो त्रिभंगा के। असल में राज, एक तो धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि मेरी पहली हिंदी फिल्म है ये त्रिभंग, और
ये नाम जो है वो एक, अगर आप हमारी क्लासिकल डांसेस के बारे में जानते हैं तो उसमें त्रिभंग एक पोज है जहां पर तीन बेंड्स हैं, एक गर्दन में होती है, एक हिप में और एक घुटने में। तो वो जब भी पोज आप उस डांस में, स्पेशली ओडिसी डांस में देखते हैं, तो उसमें सिमेट्री नहीं है, एटिपिकल पोज है वो, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत है। तो वो मैंने एक मेटाफर के तरह से यूज किया है इन तीन अलग किस्म की महिलाओं के लिए जो मेरी हीरोज हैं मेरी फिल्म की, जो नैन, अनु और माशा, यानी कि तन्वी जी, काजोल और मिथिला पालकर। तो वो एक ये दिखाने के लिए कि भाई उन्होंने जो जिंदगी जी है वो शायद अपने समाज के दायरे में बहुत एटिपिकल हो और उनमें कई ऐसी फ्लॉज हो जो वो, जिसका वो सामना करती हैं हेड ऑन, लेकिन फिर भी उनमें जो किस्म की खूबसूरती है, एक सशक्त व्यक्तित्व है उनका, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये त्रिभंग नाम रखा हुआ है। और ये कितनी अच्छी बात है मैम, क्योंकि आपसे हमें पता चला, इससे पहले हम सब लोग इसको त्रिभंगा प्रोनाउंसिएट कर रहे थे, जबकि त्रिभंग है त्रिभंग। उसी से पता चलता है त्रिभंग टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी जी, जो टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी, क्योंकि हालांकि मतलब जो भी परिवार में सदस्य है, इसमें ऑफकोर्स मेरी तीन महिलाएं हैं, वो एज आई सेड एटिपिकल है, थोड़ी सी अजीब है, थोड़ी सी यू नो क्वर्की है, लेकिन बहुत ही लुभावनी है, तो इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी टैगलाइन रखा हुआ है त्रिभंग के लिए। तो काजोल को जब आप डायरेक्ट कर रहे थे, मिथिला को भी और जो मैम है, तो इनमें से टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी कौन लगी आप में से? मुझे लगता है कि वो असल में काजोल ही सबसे टेढ़ी मेढ़ी और क्रेजी है और उनकी वजह से हम सब वैसे हो गए थे सेट पे। बट शी सच अ वाइब्रेंट, मतलब इतनी लाइवर है सेट पे, जैसे आप देखते हो दर्शक के तौर पे, जब भी हंसती है तो लगता है कि माय गॉड कुछ तो हुआ है। जी जी बिल्कुल, खिलखिलाहट पूरा, मतलब ऐसे विश्व चमक जाता है उनकी हंसी से, तो वो उस तरह की है। और उनमें वो खुद ही कहती है कि मुझ में ये बात जो है वो एटिपिकल है, या ये समाज के अलग सोच है, या जो भी है, लेकिन वो जिस तरह से पेश आती है, वो इतना लुभावना व्यक्तित्व है उनका, कि वैसे ही मतलब इन तीन महिलाओं का भी है, यू नो उनके अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एटिपिकल लगेंगी। सबसे कम मिथिला पालकर का जो रोल है वो सबसे कम टेढ़ा है, बट अच्छा। सबसे ज्यादा टेढ़ा काजोल का किरदार है इसमें वो, क्योंकि देखिए जैसे आपने बोला काजोल टेढ़ी है, यानी थोड़ी मस्ती भरी वो है, तभी भी अपना यू नो अगर सीन में होंगे, आपने तो डायरेक्ट किया है तो सीरियस सीन है, कैमरा बंद हुआ और हंसने लग जाएंगी, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए? कभी 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 कैमरा बंद होने का भी इंतजार नहीं होता और उनकी वजह से हमने इतना मजा किया है सेट पे, मतलब कोई यकीन नहीं करेगा कि जैसा आपने कहा सीरियस सीन भी है, तो जैसे खत्म होता है वो यू नो अपने में आ जाती हैं और इतना एंजॉय किया है सबने सेट पे। तो अक्सर हमने देखा है कि महिला प्रधान जो फिल्म्स होते हैं वो उनका बहुत ही सीरियस किस्म का एक सब्जेक्ट मैटर होता है, या सोशल मैसेज भी देना हो तो बड़ा सीरियसली दिया जाता है, लेकिन मेरी ये जो महिलाएं हैं वो बहुत मतलब जिंदगी के हर पहलू को अच्छे से जीना उनको आता है, तो उसमें बहुत सारा विट भी है, वो बहुत फनी भी है और उतनी सीरियस और संजीदा भी है, तो ये जो जैसी हमारी जिंदगी होती है आपकी मेरी यू नो उतनी रिलेटेबल है वो, क्योंकि वो सारे वो जो भाव है वो उसकी छटाएं हमको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। लेकिन मैम एक यू नो एक जिम्मेदारी भी है, अब क्योंकि ओटीटी पे इतनी बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, आपने डायरेक्ट की है, काजोल है उसमें, लेकिन आपका कंपटीशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी है और इंडियन प्लेटफॉर्म पर भी है, बिकॉज 15th को मार्वल्स अपनी कहानियां लेकर आ रहा है, सैफ अपनी कहानी लेकर आ रहे हैं और आप काजोल अपनी कहानी लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस कॉम्पिटिशन है, क्योंकि जब थिएटर में भी रिलीज होती है तो एक साथ कभी कभी दो मूवीज बड़ी रिलीज हो जाती है और अब तो यहाँ पे तीन तीन है। नहीं एक्चुअली ओटीटी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारी फिल्म हर रोज ओपन होती है, ओटीटी पे ऐसा है ही नहीं कि ओपनिंग नहीं मिला तो फिर हमारी फिल्म नहीं चलेगी, कई बार हमने अपने वॉच लिस्ट पे कई ऐसी चीजें हैं जो हमने 3 महीने बाद भी देखी हैं, तो
तो हर बार जब भी दर्शक उस चीज को देखता है किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो हालांकि बज उसके रिलीज के इर्द गिर्द होता है, लेकिन वो हर बार नहीं होती है ना उस दर्शक के साथ, तो उसका जो कॉन्वर्सेशन है अराउंड इट वो चलता रहता है जब तक उसमें इंटरेस्ट हो। और काजोल के तो इंटरनेशनल लेवल पे इतने ज्यादा फैंस हैं और इतने वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय बाद वो भी आ रही हैं और वो भी डिजिटल पर पहली बार आ रही हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उत्सुकता है सबको और मुझे बहुत उत्सुकता है। ये मतलब मुझे गर्व भी है इसका कि यू नो मेरी फिल्म में उनका आगाज हो रहा है ओटीटी पे, सो आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी। हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर रेणुका मैम हिंदी में कोई अपनी कहानी लेकर आ रही हैं, तो फर्स्ट जिसे वो डायरेक्ट करती वो शायद माधुरी का नाम सबके जहन में क्या हुआ था, आपने माधुरी को अप्रोच किया था या फिर सीधा पहले काजोल? नहीं, पहले मैंने काजोल को ही अप्रोच किया था और काफी समय के बाद उन्होंने हाँ कह दिया, बिकॉज ऑब्वियसली एक साहसी निर्णय है किसी भी बहुत बड़ी अदाकारा के लिए जिनको इंटरनेशनल बॉलीवुड में फेम मिला हो, जिनकी थिएटर पे पिक्चरें आज तक नहीं उतरी, दिलवाले दुल्हनिया लेके जाएंगे, तो वैसी अदाकारा को डिजिटल स्पेस में पहली बार आना ये साहसी निर्णय है एक्चुअली, और पर इस किरदार के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल सही है और उसका श्रेय मैं एक्चुअली मेरे एक निर्माता जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिन्होंने हिचकी वी आर फैमिली वगैरह डायरेक्ट की, उनकी एल्केमी फिल्म्स की ये पहली फिल्म है और वो काजोल के बहुत अच्छे ऑफ कोर्स निकटतम दोस्त हैं, तो उनके जरिए मैं काजोल तक पहुंची और लकीली फॉर मी उसको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। मैम जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू आप इतने इतने जाने माने वेल नोन फेमस एक्टर खुद हैं, तो जब कोई एक्टर डायरेक्टर बनता है और किसी को डायरेक्ट करता है तो उसके जहन में कहीं ना कहीं आता है कि इस सीन को ऐसे होना चाहिए, और वहीं पे एक एक्टर के लिए वो सीन को यू नो प्रेजेंट करना एक अलग होता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट होता है दिमाग में? नहीं, मुझे लगता है इनफैक्ट मेरे सारे एक्टर्स को ये अच्छा लगा कि मैं एक खुद अभिनेत्री हूँ, इसलिए मुझे उनकी वर्किंग के हिसाब से काम करने में आसानी हुई, बल्कि क्योंकि मैं उनको बहुत फ्रीडम देती हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे निर्देशक मुझे फ्रीडम दे एज एन एक्टर, तो जो मेरी सोच है कुछ मेरी पर्सनैलिटी का अंश होगा, कुछ वो होगा जो मेरे निर्देशक चाहते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी मैजिक हो जाती है अगर आप कलाकारों को यू नो फ्री रखें और कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाले कि ये ऐसा ही होना चाहिए, तो उनमें जो मैजिकल क्वालिटी है जो किसी किसी सीन में आपने भी नहीं सोची हो वो आपको देखने को मिलती है, और वो एक यू नो मजेदार चीज है अपनी फिल्म इंडस्ट्री की कि इतने सारे लोग एक किसी का विजन यू नो बनाने के चक्कर में सब लगे हुए होते हैं, और वो कहीं ना कहीं ऐसी मैजिकल चीजें बन जाती है इफ यू रिस्पेक्ट देम, इफ यू लीव देम अलोन, यू नो मेन चीज जो होनी चाहिए वो सेट के आने से पहले होनी चाहिए, जो भी डिस्कशंस जो भी चीजें हैं वो पूरी तरह से उसका निचोड़ जो है वो उसके पहले ही होना चाहिए ताकि सेट पे कोई प्रॉब्लम ना हो, और वैसे ही हमारे भी सेट पे हुआ, तो आई थिंक हमारे जो भी कलाकार हैं उन्होंने बहुत आनंद से ये फिल्म की और सबके किरदार बहुत अलग अलग किस्म के किरदार हैं, एक भी किरदार दूसरे की तरह नहीं है, तो उनको भी मजा आया मेरे ख्याल से, अब वो पता नहीं उनको पूछना पड़ेगा। नहीं मैम, लेकिन हिंदी की जब बात आए और आशुतोष सर का नाम ना ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो क्या कुछ फेरबदल किए लैंग्वेज वाइज भी, बिकॉज उनकी हिंदी तो कमाल है। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पहली बार है कि मैंने हिंदी में एक स्क्रिप्ट लिखी थी, तो ऑब्वियसली वो मेरे पहले श्रोता थे और मैंने उनसे अप्रूवल लेने के बाद ही उस हिंदी डायलॉग को खुद अप्रूव किया, तो वो तो पहली सीढ़ी थी मेरी, उस पायदान को पार करने के बाद ही मैंने किसी और को सुनाया है, सो ऑब्वियसली और इवन जनरली मेरी कोई भी जो भी कलाकृति है या जो भी चीज मैं लिखती हूँ सबसे पहले जो सुनने वाले हैं वो राणा जी ही होते हैं, तो उनका फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो एक कमाल की बात है कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है कि मैं ये शेयर कर सकती हूँ उनके साथ और फीडबैक ले सकती हूँ। ओके, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि ओटीटी से रिलेटेड बातें हुई थी लेकिन अभी थिएटर्स खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो एज ए डायरेक्टर आप ओटीटी पर आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे अपनी कहानियां लेकर या फिर थिएटर आपकी चॉइस है?
यू नो जिस तरह की कहानियां मैं सोचती हूँ अक्सर वो ओटीटी के लिए ही मतलब बनी हुई है ऐसा मुझे लगता है. जैसे त्रिभंग कभी भी मेन स्ट्रीम के लिए नहीं लिखी गई थी. मेरे दिमाग में ही था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का ही उपयोग हो उसके लिए और लकीली नेटफ्लिक्स ने वो प्रोजेक्ट अपना लिया. बट बिकॉज ना थोड़ी सी एटिपिकल कहानियां हैं तो उसके लिए किसी और का पैसा उस पे लगना होता है और उसके बाद उस रिलीज के इर्द गिर्द भी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है और मूलतः मुझे संकोच होता है कहीं ना कहीं. पर अगर मैं कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखूं जो मुझे लगता है कि नहीं सीटी बजाने वाली ताली बजाने वाली पैसा वसूल टाइप की अगर फिल्म में सोचती तो मैं जरूर जनरल रिलीज के लिए सोचती. लेकिन ये पहले दिन से ही मुझे ऐसा लगा कि इस ओटीटी किस्म का ही प्लेटफॉर्म इस टाइप की फिल्म के लिए चाहिए. सो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई क्लैश है. यू नो आई थिंक कि इनफैक्ट जितनी अच्छी कहानियां आप इस प्लेटफॉर्म पे भी देखो उस प्लेटफॉर्म पे भी देखो तो एक ऑडियंस क्रिएट होता है बहुत अच्छी कहानियों के लिए और अलग अलग किस्म के कहानियों के लिए. तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक ही है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के. चलिए मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीजें भी जानने को मिली. जैसे मैंने कहा त्रिभंगा और त्रिभंग असली नाम का प्रोनाउंसिएशन. तो जाते जाते जो व्यूअर्स हैं जो फैंस हैं जो 15 तारीख का वेट कर रहे हैं अगर उन्हें कुछ भी आप मैसेज देना चाहें तो प्लीज पोस्ट. नहीं मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि त्रिभंग जरूर देखें. आपको एक एक ऐसा परिवार देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा एटिपिकल है अपने समाज के दायरे के हिसाब से अगर देखा जाए. लेकिन उसमें हंसी मजाक सारी इमोशंस हैं और सबसे बड़ी बात उसमें माँ है. ओटीटी को भी अब माँ मिली है. तो जरूर देखें और फीडबैक हमें जरूर दें बिकॉज वो हम चाहते हैं ताकि हम और भी सीखें और भी अच्छा काम करें. चलिए थैंक यू सो मच मैम एंड विश यू ऑल द लक. थैंक यू. थैंक यू. तो तैयार हो जाइए काजोल के डिजिटल डेब्यू के साथ रेणुका की त्रिभंग में. क्या है टेढ़ा मेढ़ा और क्रेजी ये जानने के लिए मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. ये है एबीपी न्यूज.